टुडे आई विल डिस्कस वर्कशीट नंबर टू विच इज शेयर्ड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। द वर्कशीट इज ऑन साइंस सब्जेक्ट। द वर्कशीट फॉर क्लास सिक्स स्टूडेंट्स। द वर्कशीट विल बी शेयर्ड अमंग द स्टूडेंट्स ऑन 16 सितंबर 2020। द वर्कशीट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ फूड। Let's try to read the worksheet. As we have studied earlier, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, to get energy we need to eat energy giving food, कि हमें अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम किस तरह का फूड खाएंगे, एनर्जी जो हमें एनर्जी देता हो। For growth and repair of our body we need body building food, अगर हमें ग्रोथ करनी है और हमें जो बॉडी के फंक्शंस जो है उनको रिपेयर करना है, टूट फूट जो होती है उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉडी बिल्डिंग का जो फूड होता है हम वो खाएंगे। टू स्टे हेल्दी एंड फाइट डिसीजेज वी नीड फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज, अगर हमें हेल्दी रहना है और हमें बीमारियों से लड़ाई करनी है तो हमें ऐसा खाना चाहिए जिससे हमें बीमारी ना लगे, जो हमें बीमारियों से बचाए। इट मीन्स ए सिंगल फूड आइटम कैन नॉट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट, कि अकेला सिंगल फूड आइटम सारी रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा करता है। सो वी नीड न्यूट्रिएंट्स, तो हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, देखो यहाँ लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स, दीज ऑल आर न्यूट्रिएंट्स विच वी रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। सर व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चा पूछता है। द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट सर्व डिफरेंट पर्पज इन अवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखिए बच्चों, द डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज द कंपोनेंट ऑफ द फूड, फूड के ऐसे कंपोनेंट दैट सर्व डिफरेंट पर्पज, जो अलग अलग पर्पज को पूरा करते हो हमारी बॉडी के अंदर, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इंटू फाइव मेजर कैटेगरीज, देखिए कैटेगरी जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, इसकी फाइव मेजर कैटेगरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी, फैट फॉर टू स्टोर एनर्जी, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, विटामिन्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। तो ये फाइव न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी आल्सो नीड्स फाइबरस फूड एंड वाटर, तो ऐसा रेशे वाला फूड चाहिए और पानी चाहिए इसके साथ साथ में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ, वाटर है, मिनरल्स है, विटामिन है, फैट है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। आगे लिखा हुआ लेट्स ट्राई टू आंसर, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ये डेफिनेशन हमारी वर्कशीट में लिखी हुई है। ऐसे कंपोनेंट जो हमारे जो वेरियस फंक्शंस होते हैं उनकी उनको फुलफिल करें, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या था बच्चों, नेम द न्यूट्रिएंट्स दैट इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमें बॉडी की ग्रोथ करनी है तो उसके लिए किसी की न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, प्रोटीन। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर थ्री, कंप्लीट दी सेंटेंसेज, कार्बोहाइड्रेट आर टेस्ट गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी मिलती है, सो कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। इन एडिशंस टू न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स फाइबर एंड वाटर, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा फाइबर एंड वाटर, ये थर्ड क्वेश्चन था बच्चों। नाउ कम्स टू फोर्थ क्वेश्चन, यू रन 5 किलोमीटर्स एवरी डे, विच न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी इन योर फूड,
अगर आप 5 किलोमीटर डेली रनिंग करते हो तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट की होगी? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, मिनरल्स की और विटामिन्स की। इसके बाद आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आज के वर्कशीट में केवल 4 ही क्वेश्चन थे। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।